गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रेजेंट सिचुएशन में कोविड-19 की वजह से, जिसमें लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों को शहर छोड़ के माइग्रेट करना पड़ गया है, बहुत से बिजनेसेस बंद हो गए हैं, जिस वजह से बहुत से जॉब्स जा चुके हैं। इस स्थिति को हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी कहते हैं। आज की जो हमारी इकोनॉमिक्स की यानी सामाजिक विज्ञान, जिसे हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं, वर्कशीट नंबर 9 ऑफ क्लास 9 इसी टॉपिक पे है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द करंट वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। इसे हम कहते हैं, जब कोई इंसान जॉब करना चाहता है और वो कर सकता है, बट उससे प्रेजेंट वेजेस पे, मतलब जो उसको आय मिलनी है, उस पर उसको जॉब नहीं मिल पा रही, इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनैच्छिक बेरोजगारी। इकोनॉमिक्स में तीन तरह की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। पहली है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ये बेसिकली फार्मिंग में आप देखेंगे, जिसके अंदर फार्मर्स कुछ महीने के लिए तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं अपने खेत में, खेती करने के लिए, उगाने के लिए, बट बीच में कुछ 3-4 महीने का गैप ऐसा आ जाता है जिसके अंदर उनके पास कोई भी काम नहीं होता करने के लिए। तो उस टाइप की जो बेरोजगारी होती है, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट में डिस्गाइज्ड वर्ड से ही हमें समझ में आ जाता है, इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब इंसान को खुद पता भी नहीं चलता कि वो बेरोजगार है। जैसे कि एक काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, बट उसमें 8 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो जो बाकी बचे हुए 3 लोग हैं, वो बेसिकली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जिसके अंदर ये भी फार्मिंग में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर पूरी की पूरी फैमिली एक ही खेत के ऊपर काम कर रही होती है, जबकि उसमें से 3 लोग या मतलब कुछ लोग वहां पे छोड़ के कहीं और जाके भी काम करें, तो भी उस खेत में उतनी ही उपजाऊ होगी, उतना ही आपको वहां से प्रोडक्शन होगा, जितना 5 लोग करें या 8 लोग करें। इसलिए इसका नाम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तीसरे टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब शिक्षित बेरोजगारी। ये एक नए तरीके की बेरोजगारी है, जिसके अंदर जो लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और तब भी उनके पास जॉब नहीं है या उनके लायक जॉब नहीं है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में सबसे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, बिकॉज एजुकेशन के ऊपर बहुत लोग खर्चा करते हैं, पढ़ लिख के आगे सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा भविष्य होगा, बट यहाँ पर उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स का सैंपल, तो ये सिर्फ एक सैंपल है, और आप इन क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ते हुए आप अपने आंसर्स खुद लिखें। पहला है अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए।